इज़राइल के संग परमेश्वर की वाचा। इज़राइली लोग ने उनको लाल समुंदर से वह पार जान के बाद परमेश्वर उनको जंगल से होके सीने कहलान वाले पहाड़ के किनारे लेके गईस। यो भूज पहाड़ होतीस जहाँ पे मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखे होतीस। ही लोग नाउन ने वो पहाड़ के खल्ले अपने तंबू नाउन को ठाड़े करीन। परमेश्वर ने मूसा से और इसराइल के सपाई लोग नाउन से कहीस, तुमा को हमेशा मोरी बात नाउन को माननो है और जो वाचा मैं तुम्हारे संग बांधतम ओको बनाए के रखनो है। अगर तुम असो करतव तो तुम मोरो इनाम कीमती धन याजक नाउन को राज्य और एक पवित्र जाति ठहरो। परमेश्वर के जरिया से उनके जवर आन के गुना लोग नाउन ने 3 दिन तक खुद को तैयार करीन। तब परमेश्वर सीने पहाड़ की चोटी से खल्ले उतरीस और जब हु आईस तो हुई डोल भईस, बिजली चमकी, धुंगा उठीस और तुरही नाउन को जोरदार आवाज भईस। तब मूसा खुद पहाड़ी पे ऊपर चढ़ गईस। तब परमेश्वर ने लोग नाउन के संग एक वाचा बांधीस। उन्हें कहीस, मैं तुम्हारो परमेश्वर यहोवा आम, मैं चाम जो तुम्हा को मिस्र के गुलामी से छुड़ाएम। अब दूसरे देवता की उपासना मत करने, मूर्ति नी बनाने और नी हुन की उपासना करने, काया कि मैं यहोवा तुम्हारो एकच परमेश्वर आम। गलत रीति से मोरे नाम को उपयोग मत करने, सबत के दिन को पवित्र मानन के गुना याद रखने, मतलब 6 दिन नाउन में अपने सफाई काम करने और 7वें दिन तुम्हारे गुना आराम करन और मोरी आराधना करन को दिन है। अपने माँ और बाप को आदर करने, हत्या नहीं करने, व्यभिचार नहीं करने, चोरी नहीं करने, अपने पड़ोसी की लुगाइन ओके घर या ओके कुछ भी सामान को ले लेन की इच्छा नहीं करने। तब परमेश्वर ने ही 10 आज्ञा नाउन को गोटा की 2 पटिया नाउन में लिख के मूसा को दे देस। परमेश्वर ने आज्ञा पालन करण के गुना लोग नाउन को बहुत सारी व्यवस्था देस। अगर हुन ने ही व्यवस्था नाउन को पालन करीन तो परमेश्वर ही लोग नाउन को आशीष देन और हुन की सुरक्षा करण की प्रतिज्ञा करीस। पर उन्हें कहीस कि अगर हुन ने हिनको पालन नी करीन तो हु हुन को दंड देहे। परमेश्वर ने इसराइली लोग नाउन से एक बड़ो तंबू बनान के गुना भी कहीस, मतलब मिलाप वालो तंबू। उन्हें हुनको सही सही बताइस कि यो तंबू कसो कसो बनाने है और ओके अंदर कौनती कौनती चीज नाउन को रखनो है। उन्हें हुनको हु तंबू को 2 कमरा नाउन में बाटन के गुना एक बड़ो पर्दा बनान के गुना भी कहीस। परमेश्वर वह पर्दा के पीछे वाले कमरा में आए और वहां रहे। जहां परमेश्वर होतीस वो कमरा में जान की अनुमति सिर्फ महायाजक को होती। उन लोग नाउन को वो मिलाप वाले तंबू के सामूर एक वेदी को बनानो पड़े। जो कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़े वो वह वेदी पे एक जानवर को लेके आए। तब याजक ओको बलिदान करे और वह वेदी पे परमेश्वर के गुना बलि के रूप में जलायो जाए। परमेश्वर ने कहिस कि वो जानवर को खून वो मानुष के पाप नाउन को झाग देहे। या रीति से अब परमेश्वर वो पाप को नी देखे, वो मानुष परमेश्वर के नजर में शुद्ध ठहरे। परमेश्वर ने मूसा के भाऊ हारून को और हारून की पीढ़ी नाउन को अपने याजक होन के गुना चुन लीस। परमेश्वर ने ही लोग नाउन को जो नियम दे होतीस ही उनको पालन करन के गुना तैयार भईन। ही सिर्फ परमेश्वर के लोग होन को और सिर्फ ओ की आराधना करन के गुना तैयार भईन। कई दिन तक मूसा सीने पहाड़ की चोटीच पे रहीस, वो परमेश्वर से बात करत रहीस, पर लोग ओके
वापस आन की बात देखत देखत थक गईन। एके गो नही लोग हारून के जवर सोना लेके आईन और ओके से एक मूर्ति बनान के गुना कहिन, ताकि ही परमेश्वर के बजाय उनकी आराधना कर सके। यो रीति से उनने भयानक रूप से परमेश्वर के खिलाफ पाप करीन। हारून ने बछड़ा के आकार में सोने की एक मूर्ति बनाई ही। लोग नाउन ने वह मूर्ति की उपासना करनो शुरू कर दी और ओको बलिदान चढ़ाई। इनके पाप के कारण परमेश्वर उनके से बहुत गुस्सा भईस। फिर उनको नाश कर देनो चाहत होतीस, पर मूसा ने उनको नी मारन की विनती करीस। परमेश्वर ने ओकी विनती को सुनीस और उनको नाश नी करीस। आखिर में मूसा सीने पहाड़ी पे से खल्ले उतर के आईस। ही दो गोटा की पटिया नाउन लेके होतीस, जिनके पे परमेश्वर ने 10 आज्ञा नाउन को लिखे होतीस। फिर उन्हें वह मूर्ति को देखीस, वो इतनो गुस्सा होइस कि उन्हें ही पटिया नाउन को चकनाचूर कर दीस। फिर मूसा ने वह मूर्ति को तोड़ फोड़ के ओको पीस डालीस और ओके चूरा को पानी में मिलाए के लोग नाउन को हु पानी पिला देस। परमेश्वर ने ही लोग नाउन पे एक विपत्ति भेजीस और हिनके में से बहुत लोग नाउन मर गई। जिन पटिया नाउन को मूसा ने तोड़ देतीस उनकी जागा लेन के गुना मूसा ने ही 10 आज्ञा नाउन की गोटा की नई पटिया नाउन को बनाईस। तब हु दोबारा से पहाड़ी पे चढ़ गईस और प्रार्थना करीस कि परमेश्वर ही लोग नाउन को माफ कर सके। परमेश्वर ने मूसा की सुनीस और उनको माफ करीस। नई पट्टी नाउन पे 10 आज्ञा नाउन को लेके मूसा पहाड़ी से खले आईस। तब परमेश्वर ने सीने पहाड़ी से लेके प्रतिज्ञा के देश तक इजरायली लोग नाउन को मार्गदर्शन करीस।